देखिए, कल रात को काफ़ी बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश थी, जिसमें हमारे कम से कम 8 से 10 मकान जो हैं वो डैमेज हो गए। कुछ तो पार्शली डैमेज हैं, कुछ फुली डैमेज हैं। उसके साथ साथ हमारी रोडें भी दो तीन, जैसे मंडी टू साबजियां रोड हमारी ब्लॉक हो गई थी, तो उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लिंक रोड जो हैं वो भी ब्लॉक हो गई थी, तो उनको हमने क्लियर करवा दिया। मैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर पहुंच, तो मेरे नायब तहसीलदार आज दोनों फील्ड में थे, अभी वो पहुंचे हैं मेरे पास। हमने सारी रिपोर्ट ले ली है, कंपाइल कर दी है, तो हम फर्दर इनको जो भी रिलीफ एज पर रूल जो है उनको मुहैया करवाएं। कितने हाउस जो है वो 5-6 डैमेज हुए और कितने जो खुले हुए हैं? अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, खासतौर पे जो ज़्यादा रिपोर्ट हमें लोरन वाले पार्ट से आ रही थी, कुछ ये बेदार वाला पार्ट था, चिकड़ी बन वाले पार्ट में था, तो इसमें हमारे कुछ जो जैसे 3-4 घर है वो तो फुली डैमेज है, फुली डैमेज है, और कुछ जो है पार्शली डैमेज भी है। तो जो फुली डैमेज है वो जो है वो मतलब इंतजामिया की तरफ से किस तरह की जो है वो देखो, अभी तो हमें जो ऑन स्पॉट पे हमने यही कहा है कि फिर हम उनको टेंट वगैरह मुहैया करवाएंगे, और उसके साथ साथ हम इनकी रिलीफ की फाइलें भी प्रिपेयर कर दिए हैं। जो भी रिलीफ रूल के अकॉर्डिंग इनको कंपनसेशन मिलती है या इनको रिलीफ मिलता है तो वो मिला जाए। अभी अभी जो है हमने उनको टेंट वगैरह मुहैया करवा रहे हैं। जैसे कि लोगों का ये भी कहना है कि मतलब काफी अभी बारिश कंटिन्यू हो रही है, 8 घंटे जो है वो काफी मुश्किल है। तो लोगों ने ये भी कहा कि अभी भी मतलब मंडी में जो काफी ऐसी जगहें हैं जहां पे काफी खतरा है लैंडस्लाइडिंग का, तो कोई बड़ा हादसा भी जो है वो हो सकता है। तो लोगों से जो क्या अपील रहेगा? देखो, हमने तो पहले तो हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लिए कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे हमने लोगों को यही हिदायत दी है कि हमारी टीम भी एक्टिव है, रेवेन्यू की टीम, हमारे पटवारी हो गए या हमारे फील्ड में जो नंबरदार चौकीदार भी काम करते हैं, हमने उन्हें बता दिया कहीं भी ऐसा कुछ होगा तो हमने उनके अल्टरनेट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है, पंचायत घर वगैरह या किसी स्कूल में हम उनको एवैक्यूएट कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।